हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहूंगा। धन्यवाद इसीलिए बोलना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों का जो प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है इस YouTube में, ये बहुत ही सराहनीय है। आप लोग इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी हूं। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और हम सभी को इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर दोस्तों आप में से कोई भी झारखंड का वासी है तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। पहले दोस्तों, ये जो रेंट है ऑफलाइन जमा हुआ करता था, आप लोग जाते थे ऑफिस में और ये जमा होता था, लेकिन अभी ये ऑनलाइन कर दिया गया है। कम्प्लीटली पूरे तरीके से ऑनलाइन हो गया है, ऑफलाइन ये जमा होता नहीं है। तब दिक्कत बहुत आती है, आपको जाना पड़ता है एजेंट के थ्रू और उसे भी कुछ कमीशन देना पड़ता है। बल्कि ये बहुत ईजी है, आप बहुत ही आसानी से, अगर आपके पास नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या UPI है, फ़ोनपे है, कुछ भी है दोस्तों, आप इसके थ्रू इसका पेमेंट कर सकते हो, भी बहुत ही सरल तरीके से। यही आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप घर पे बैठे अपने मोबाइल से, हाँ दोस्तों अपने मोबाइल से, लैपटॉप की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही अपने जमीन का जो रेंट है, जो लगान है, वो जमा करा सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो दोस्तों बने रहिए अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि वो आप अच्छे से समझ पाए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो की एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों मैं आपको लेकर आ गया हूं अपने मोबाइल के ब्राउज़र में, आप देख सकते हैं मैंने ब्राउज़र ओपन कर रखा है। अभी यहां हम लोग गूगल में टाइप करेंगे झारखंड लैंड टैक्स। आप देख रहे हैं यहां लिख कर आ रहा है झारखंड लैंड टैक्स। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे ये जो वेबसाइट है jharbhoomi.nic.in, ये झारखंड गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसी वेबसाइट, अगर आप झारखंड में किसी भी ज़मीन का अगर लगान जमा करना चाहते हैं, लैंड टैक्स जमा करना चाहते हैं, तो आप इसी वेबसाइट के थ्रू जाकर जमा करना है और किसी भी अलग और किसी दूसरे वेबसाइट पर जाकर ये नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, आइए इस पर क्लिक करके देखते हैं अंदर क्या है। जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाता है आपके सामने, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन लगान, हाँ दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरीके का पेज खुलकर आ गया है। पहला जो ऑप्शन है आपको दिख रहा है रजिस्टर टू, देखें इस रजिस्टर टू में दोस्तों आपको अपने ज़मीन का सारा विवरण दिखता है। दूसरा जो ऑप्शन है ये है बकाया, देखें। तीसरा पिछला भुगतान, देखें पिछला आपने कितना जमा किया है। चौथा जो है ऑनलाइन भुगतान करें, और जो पाँचवा है वह है लंबित भुगतान, देखें। तो हम लोग दोस्तों जो बकाया है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमारा रेंट कितना अभी बाकी है जो पे करना है हमें, इस पर क्लिक करेंगे। बकाया देखे पे क्लिक करने के बाद ये कुछ यहाँ पे बॉक्स खुल के आ गए हैं। यहाँ पे आपको उसका डिटेल भरना है। सबसे पहला जिला का नाम, यहाँ पे आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, आप किस जिले में है झारखंड के। तो मैं पूर्वी सिंहभूम में है तो पूर्वी सिंहभूम क्लिक कर दूंगा। अंचल का नाम, आपको अपना अंचल का नाम, मैं जमशेदपुर तो जमशेदपुर क्लिक कर दूंगा। हल्का का नाम, आपको हल्का सेलेक्ट करना है। ये सब जानकारी आपको रखनी होगी, ये सब जानकारी आपको अपने पिछली रेंट रसीद में भी मिल जाएगी, अगर आपको उस पर नहीं मिलते तो आपके ज़मीन का जो एग्रीमेंट है उस पर मिल जाएगा। आइए, मेरा हल्का 8 है तो मैं हल्का 8 पे क्लिक कर दूंगा। दूसरा है मौजा का नाम, मौजा सेलेक्ट करना है। मौजा है मेरा मोहरदा, आपका जो होगा आप वो सेलेक्ट कर लोगे। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है। भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या वर्तमान, रायती का नाम से खोजे, प्लॉट नंबर से खोजे, खाता नंबर से खोजे, समस्त पंजी दो को नाम के अनुसार से देखें। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रहते के नाम से खोजूंगा। ठीक है, जो नाम से रजिस्टर्ड है लैंड, मैं उनके नाम से खोजूंगा ज़मीन, अब वो डायरेक्ट खुल के आ जाएगा। मैंने नाम लिख लिया है, अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ नीचे में खोजे का बटन है, ये खोजे का बटन दिख रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे हम लोग खोजे के बटन पर क्लिक करते हैं, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, देखेंगे यहाँ पे ये डिटेल खुल के आ गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखे जो दिख रहा है इस पर अब आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर और भी सारा डिटेल खुल के आ गया है कि आपकी ज़मीन कौन सा, प्लॉट संख्या क्या है, खाता नंबर क्या है, आप देख पा रहे होंगे खाता नंबर, प्लॉट संख्या, रकबा, कितने ज़मीन है आपका। उसके बाद यहाँ नीचे लगान का विवरण दिया गया है, लगान जो है उसका विवरण यहाँ नीचे आपको बॉक्स में दिया गया है, इस बॉक्स में, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नीचे जो आप देख रहे हैं दो ऑप्शन दिया गया है, एक है बकाया देखे, दूसरा है पिछला भुगतान देखे। हम लोगों को क्या करना है, अपना जो बकाया राशि है उसका भुगतान करना है, उसका पेमेंट करना है। तो हम लोग बकाया देखे में क्लिक करेंगे।
इस पे जैसे ही क्लिक किए ये वाला पेज खुल के आ गया है। इसमें जो आपका बकाया राशि है वो खुल के सामने आ गया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि 19-20 का रेंट और 20-21 का जो रेंट है ये जमा नहीं हुआ है लैंड टैक्स, तो ये दोनों अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। और ये जो टोटल अमाउंट है ये है 284 टोटल दो साल का, यहाँ पे भी दिया हुआ है 2019-20 से 2020-21 तक का जो ये टैक्स है 284 ये हमें जमा करना है अभी, जो कि बकाया है। और उसका डिटेल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसके नीचे आप देख आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे नीचे ग्रीन में ऑनलाइन भुगतान करें लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन भुगतान करें, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं इस तरीके का पेज सामने खुल के आ गया। यहाँ पूरा डिटेल सामने में है कि ये किस किस, ये जो 284 रुपीज़ है ये किस किस लिए लिया जाता है, कौन कौन सा इसमें जो लगान और टैक्स जो है वो इसमें जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं बकाया लगान, वर्तमान लगान, बकाया रोड शेष, वर्तमान रोड शेष, शिक्षा शेष, शिक्षा शेष, स्वास्थ्य शेष, ये सारे टैक्स मिलके आपका एक लैंड टैक्स बनता है। अभी हम लोग नीचे चलते हैं पेमेंट के लिए। यहाँ एक डॉट आ रहा है, इस पर आई एग्री पे क्लिक कर देना है और इसके बाद ओके कर देना है, ठीक है दोस्तों। अब भुगतान करें पे क्लिक कर देना जो ग्रीन में दिख रहा है। क्लिक करते ही ये वाला पेमेंट ऑप्शन खुलकर आ जाएगा सामने में। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपॉजिटर आईडी दे रहा है, डिपॉजिटर नेम दे रहा है, ट्रांजेक्शन आईडी लिख कर आ रहा है और पेएबल अमाउंट आ रहा है 284.20 का, डिस्ट्रिक्ट रांची, प्रोजेक्ट BLD, ऑफिस नेम। उसके बाद ये ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे गेटवे सेलेक्ट करने बोल रहा है, PNB या SBI पे। मैं SBI पे क्लिक करूँगा और सबमिट कर दूंगा। उसके बाद ये GRN नंबर यहाँ पे आ गया। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इसका स्क्रीनशॉट एक लेके रख लीजिए, क्योंकि ये GRN नंबर काम आएगा बाद में अगर ट्रांजेक्शन किसी भी रीजन से फेल हो जाता है या कुछ इशू आ जाता है ट्रांजेक्शन में और आपके अगर पैसे कट जाते हैं तो ये GRN नंबर के थ्रू आप इसे रिकवर कर सकते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप भी ले लें। अब जैसे नीचे जाएंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है एग्री और नॉट एग्री, आपको एग्री पे क्लिक करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट नीचे लिखा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है आर यू श्योर वांट टू कन्फर्म, ओके पे क्लिक कर दीजिए। ओपन होने के साथ ही आपको तीन तरीके का ऑप्शन दे रहा है पेमेंट के लिए दोस्तों। पहला है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन, दूसरा है इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन, तीसरा है भीम UPI के ऑप्शन के साथ। तो मैं भीम UPI के ऑप्शन के साथ जाना चाहूँगा। मैं जैसे इस पर क्लिक किया यहाँ पे बोल रहा है अपना ID डालने के लिए, मैं यहाँ अपना ID डाल देता हूँ। पे नाउ पे क्लिक कर दिया ID डालने के बाद। टेक्निकल एरर वाई वैलिडेटिंग योर UPI ID, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, ये UPI ID के थ्रू ले नहीं रहा है, तो मैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर देता हूँ। इस पर अपना बैंक सेलेक्ट कर लें, मेरा कैनरा बैंक है, मैंने कैनरा बैंक सेलेक्ट कर लिया। अब पे नाउ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों ये इस तरीके का पेज खुलकर आ गया है सामने। अभी यहाँ पे अपना ID पासवर्ड डालना है। मैं थोड़ी देर के लिए ये रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ ताकि जब भी कोई आप ID या पासवर्ड यूज़ कर रहे हो तब स्क्रीन रिकॉर्ड ना करें, ये सेफ नहीं होता है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए अपने स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद जैसे ही पेमेंट हो जाएगा मैं फिर से रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस यहाँ पे लिख के आ रहा है, पेमेंट वाज सक्सेसफुल। मैंने कुछ देर के लिए अपने स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑफ कर दिया था। वहाँ पे आपको क्या करना था दोस्तों, अपने जो ID है वो ID पासवर्ड डालना था। ID पासवर्ड डालने के बाद आपको एक्सेस मिल जाता है पेमेंट के लिए। पेमेंट आप जैसे ही पेमेंट पे क्लिक करोगे, आप कंफर्म करोगे, उसके बाद अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालोगे, OTP डालोगे, आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही सबमिट होगा, ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको रिडायरेक्ट करके ऑटोमेटिक आपको इस पेज पे लेकर आ जाएगा जो ये पेज सामने खुला हुआ है और यहाँ पे लिख के आ रहा है पेमेंट वाज सक्सेसफुल। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने रेंट जमा किया है, जो आपने टैक्स जमा किया है उसकी रसीद आपको चाहिए। आप रिकॉर्ड के लिए उस रसीद को यहाँ से लगान जो रसीद है ये दिख रहा होगा, लगान रसीद ग्रीन में लिख कर आ रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है और उसको जाके प्रिंट करवा लेना है और अपने फाइल पे सेव करके रख लेना है। ठीक है दोस्तों, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पे दोस्तों, दो साल का जो मैंने पेड किया है टैक्स ये यहाँ पे आ रहा है, 2019-20 का 142 रुपीज़, ये 2020-21 का 142 रुपीज़, ये दो साल का टैक्स पूरा पेड हो चुका है, अभी कोई भी बकाया नहीं है। ये बारकोड यहाँ पे आ रहा है, ये पूरा का पूरा रिसिप्ट है लैंड टैक्स का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दें ताकि मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर।
बाय बाय।